अभी हम जा रहे हैं अपने खेत पे और रास्ता तो आपको दिख ही रही है कैसी, तो फुल ऑन एडवेंचर के साथ जाएंगे हम, फिर दिखाएंगे। सो वी आर गोइंग देयर। नन्नी हेलो, हेलो बोल। सो यहाँ पे बारिश की वजह से कैसी कंडीशन हो गई है देख सकते हैं, और यहाँ बिल्कुल जरा से स्पेस से हम जा रहे हैं वहां पे, उधर की साइड हमारी बगिया है, तो पेड़ों की हालत एकदम खराब हो गई है, ढहचा है ये शायद से। खम्बे भी टेढ़े हुए हैं, वो पहले से ही टेढ़े थे। ये है, ये भुट्टे के पेड़ है, नहीं मक्का नहीं बाजरा, हाँ ये बाजरे के पेड़ है, और हम इधर से जा रहे हैं चलते हुए। ये देखो घास है, ये पता नहीं क्या है, इसे क्या बोलते हैं, ओह माय गॉड, ये देखो, चल यहाँ से चल। तो पूरी कंडीशन खराब है, पूरी बारिश, इतनी बारिश हुई है ना 3-4 दिनों से, और आज है मौसम थोड़ा साफ। यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था भड़ार का, दूसरा भी था छोटा सा, वो टूट गया, और ये देखो कंडीशन देखो बारिश की वजह से क्या हाल हुआ है खेतों का। सो वी आर गोइंग, यस ये तो कपड़े पूरे बैंड बजेगी हमारी। और अभी हम यहाँ आ गए हैं, आई डोंट नो कि हम इसके अंदर जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे घर में डेथ हुई है, बट मेरे नाना थे तो मैं जा सकती हूँ, बट उसके दादाजी थे तो इसलिए मैं नहीं जा रही, मैं जाऊंगी नहीं। ये मंदिर है, बंद है ये अंदर से, मैं अंदर से दिखाती बट अभी खुला नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं, ये बगिया है, क्या बोलते हैं इसे, आश्रम। तो यहाँ पे हालत देखो, ये किसी का थान है, हालत खराब है पूरी खेतों की। तो ना गाइज, मेरे को एक बहुत ही ब्यूटीफुल से फूल मिले हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ के, उसका पेड़ है, तो मैं ना उधर जा रही हूँ उधर को, अरे नहीं दिख रहा, अरे उधर रेड रेड से पिंक पिंक है, मैं दिखाती हूँ, अगर मैं जाती हूँ देखती हूँ कि वो क्या है। तो यहाँ से एक खेत है पूरा, एक तो गीला हो रहा है ना, स्लिप होने की पूरी टेंशन है, वैसे तो मैं चप्पल पहन के आई हूँ पर फिर भी 2-3 बार मैं बची गई हूँ गिरने से। अब देखो, एक तो मुझे डर लगता है कि मतलब लीच, लीच का तो सबसे ज़्यादा लगता है, सांप बाप तो छोड़ो, तो मैं ज़्यादा अंदर छूने नहीं वाली, तो पता नहीं क्या है ये। अगर आपको पता है ना कि किस चीज़ के फूल हैं ये, मतलब किस चीज़ का प्लांट है, तो मेरे को जो बताएं, वो तो अंडी आई थिंक, और भी किसी चीज़ का पेड़ है, आई डोंट नो, और वहाँ पे भी है सेम पेड़, तो ये क्या है आप मेरे को बताएंगे। एंड ये देखो भाई झाड़ी, सच में थोड़ा सा तो डर लगता है मेरे को, क्योंकि हम बहुत टाइम से नहीं आए, तो खैर डर नहीं लगता क्योंकि हम पहले भी आते रहते थे, पर मेरे को हो गए हैं 3-4 साल मैं आई नहीं हूँ, तो थोड़ा सा तो आई एम अफ्रेडिंग फॉर एवरीथिंग, यू नो दैट, सो वी आर गोइंग देयर। नहीं तो देखो गांव में रहने लगे तब से इसको, ये यहाँ पे ना ये जो चलने वाला होता है इसको बोलते हैं मैट, तो ये पूरा कवर हो गया क्योंकि पेड़ इधर की साइड आके गिर गए हैं, तो हमें खेतों के बीचों में से पड़ रहा है भाई, कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे। चलो तो अभी हम इधर आ गए हैं, सबसे अफ्रेडिंग चीज पता है क्या है यहाँ पे, एक तो हम मॉर्निंग में आए तो मॉर्निंग में जो भी ये सब चीजें होती है ना, सांप वगैरह तो निकलते हैं। हाँ आप ये देखेंगे, ये बैम्बू ट्री है ना, इसमें जो होते हैं ना वो सांपों के घर होते हैं, मतलब बामी वगैरह बनाते हैं, तो ग्रीन कलर के सांप आपको दिखेंगे नहीं, तो इसके अंदर भाई सांप वाम बहुत रहते हैं, क्योंकि बैम्बू शूट में होती है ना जगह रहने के लिए, तो उनको बिल तो वैसे भी चूहों का होता है, तो यहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है। ये देखो यहाँ पे किसी का, इधर से नहीं उधर से, पहले उधर चलेंगे हम, वहां से चलेंगे मुझे पता है। तो यहाँ पे ये किसी का है ट्यूबवेल, और इसमें अंदर कुआं है, वहाँ पे एक मड़ैया है, इट्स कॉल्ड मड़ैया, वो देखा जाएंगे मड़ैया, और वहाँ पे एक खाद डली हुई है, जिससे कि आप किसी भी कंडीशन में, मतलब आपको जरूरत होगी कि खेत पे रहने की, तो इसमें घास है यहाँ पे आप रह सकते हैं। सो वही यही सब घेराबंदी और रखे लोगों ने, मतलब कि ऐसे बना रखे है, तो अभी हम आगे चलते हैं। ओके तो आज की लाती हूँ, आज की हमारी टूरिस्ट गाइड कौन है, नन्नी, नन्नी हेलो बोलो, हेलो, क्या नाम है आपका, सृष्टि, इसका नाम है सृष्टि, और हम इसे बोलते हैं नन्नी, और ये मेरी कजिन है, तो ये हमको दिखाएगी, गाइड करेगी, वैसे तो मैं ही गाइड कर रही हूँ, पर ये हमारी आज की टूरिस्ट गाइड है। ओके आपसे मिलकर अच्छा लगा। देर वहाँ पे कुछ है, मैं आपको दिखाती हूँ, आपने वो सुना होगा नहर, नहर जैसा कुछ, अरे चलो यहाँ से शॉर्टकट मारना पड़ेगा, नीचे से निकल। ओके मैं भी निकलती हूँ यहाँ से। ओके तो मैं निकल गई, अरे यार तेरा तो ये दाई चींटियों ने बना रखा है, मैं तो इससे डर गई। चल आ जा, हम जा रहे हैं, चल जल्दी जल्दी चलते हैं, पूरी साइड पे, इधर साइड पे,
पेड़ ही पेड़, बस थोड़ा ही रह गया है। वो जो दिख रही है ना बड़ी सी घास का पेड़ बड़ा सा झाड़ी से, उसके आगे ही जाना है हमको बस। और आम के पेड़ भी। तो यहाँ से निकलने की जगह देखना है कैसी है। मतलब एक सिटी वाले बंदे के लिए ना, अगर जो पहली बार आए ना उसके लिए तो बहुत डरावना है ये सब। और इससे तो आपका हाथ कट सकता है। पानी नहीं है तो आप देख सकते हैं ये है बम्बा। क्या तो अभी हम आगे से जाएंगे। तो मैं बता रही थी कि नहर या बम्बा, मतलब बम्बा नहीं सुना होगा बट नहर सुना होगा। नदी होती है फिर नहर होती है, नहर नदी से छोटी होती है। तो बम्बा ना भाई मुझे आवाज से भी डर लगता है, तो वो बम्बा ना नहर से भी छोटा होता है। तो वो यहाँ पे है आगे जाके हमारे खेतों के पास, मतलब खेत उधर की साइड भी हम चलेंगे। मामा को बोल रही थी आने के लिए, वो आई नहीं तो मैं इसको ले आई, बट मेरे को थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि इतने पेड़ है ना और बरसात का सीजन है तो इस टाइम पे ये सब चीजें तो निकलती है। हेलो, कोई डॉक्टर बुलाओ, कोई डॉक्टर बुलाओ। वहां से व्यू कुछ ऐसा है, खेत ही खेत है और नन्नी। चलो तो हम ना उधर साइड जाने वाले क्योंकि वहाँ पे एक ब्रिज है। इस पुरानी ना एक बात बताती हूँ कि हम जब छोटे थे ना तो यहाँ पे आया करते थे, तो अभी तो ये पूरा पेड़ वेड़ हो गया क्योंकि बारिश है, तो बट गर्मियों के मौसम में इतने पेड़ पौधे नहीं होते, इतनी घास नहीं होती। तो तब हम जब आते थे ना, पहले यहाँ नहाते थे, छोटे थे बहुत छोटे थे, नहाते थे और घर पे जाके पिटते थे। हमारा डेली का यही था, हम नहाते थे पिटते थे, नहाते थे पिटते थे, पर सुधरते नहीं थे। तो बच्चों का यही होता है कि सुधर नहीं सकते, कुछ भी कर लो ठीक है, वो अपने मन से ही सुधरेंगे। तो समझ में आएगा, कोई भी पेरेंट्स अगर देख रहे होंगे तो प्लीज पॉइंट को नोट कर लें। ओके, देख सकते हैं कि घास कितनी बड़ी है ना, बट इतनी बड़ी घास मैंने कभी नहीं देखी। तो मैं रेनी सीजन में, मतलब मैं आई हूँ मैं बहुत पहले, पर मैं यहाँ नहीं आयूंगी क्योंकि यहाँ पे आना बहुत ही कम अलाव है, मतलब हमारे लिए। वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो देखो घास वास ये पूरे निकल रहे हैं, मुंह ना कट जाए, मुझे तो डर ही लगता है। इसे बोलते हैं बिस्खपरा। ओके, तो यहाँ पे तो कम है थोड़ा, और इसके अंदर ना पानी भी है। आगे से दिखाऊंगी, आगे में एक ब्रिज है। तो मैं घर पे थी, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही थी और मैं इसीलिए एक भी वीडियो नहीं बना पाई। वैसे मैं सोच रही थी कि डेली ब्लॉगिंग करूंगी, बट पता बिल्कुल मन नहीं किया, इतना डिप्रेस फील हो रही थी। पर मैं यहाँ पे आई तो थोड़ा सा चेंज मिला है ना, समथिंग बेटर। घर पे अकेले रहने से ना थोड़ा सा बेटर है, अच्छा लग रहा है। एक्चुअली फ्रेश एयर मिल रही है ना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वो आपके, मतलब आपके अच्छे बिहेवियर में थोड़ा सा तो हेल्प करेगी ना, आपके इमोशंस को चेंज कर देती हूँ। अरे यार ये क्या हुआ है भाई, यहाँ क्या हो गया? ये यहाँ पे नया ब्रिज बन गया है छोटा सा, यहाँ से देखो पानी, टडा, इसे कहते हैं बम्बा। अरे गिर मत जाइयो नन्हे, ठीक है? वहां पे मेरे मामा हैं, वो कुछ देख रहे हैं, और यहाँ पे है खेत ही खेत। और वो दुर्गा पूजा के टाइम पे निकलते हैं ना वो, ये देखो ये, मतलब ये कुछ नहीं होता, ये एक्चुअली घास के फूल होते हैं ये। तो अभी निकल रहे हैं, दुर्गा पूजा कुछ टाइम बाद आने वाली होगी, मतलब कि वो रहा ब्रिज दिख रहा होगा, वो ब्रिज हम वहां जाने वाले थे। तो ये दुर्गा पूजा के टाइम पे निकलते हैं, जब हम दुर्गा पूजा, नहीं पता होगा किसी को, नवरात्रों के टाइम पे ना, तो ये दुर्गा पूजा का इंडिकेशन ही यही होता है कि चलो माता आ रही है। तो मैं वहां जाके तो तोड़ने वाली नहीं, पागल हूँ क्या, इसमें गिर जाऊंगी। मतलब ये पूरा ब्रॉड है इतना, ये पूरा वहां तक है, ये है बिल्कुल खेत। अब इसमें कुछ बोया जाएगा, वहां पे रखी है झोपड़ी और वहां पे है मेरे मामा। तो चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से। मोहित? कौन मोहित? तेरा मोहित दोस्त है? अच्छा, अरे वाह। अरे अरे यार कितना चेंज हो गया, यहाँ से होनी चाहिए ना जगह, यहाँ से है निकलने का, बहुत कुछ चेंज हो गया है। अरे आराम से आराम से। हाँ तो हम यहाँ से जाएंगे वो ब्रिज के पास। तो ये देखो, हम ना एक्चुअल में हम यही जगह थी, मतलब चेंज हो गया, ये बीच में ऐसे आ गए ना, ये दो पार्ट कर दिए। बम्बई है, चलना आगे। इसे समझने में इतनी देर लग गई, तब से घूम रही है ये, और अभी कह रही है जब इसने ज्यादा पानी लगा तो कह रही बम्बा तो नहीं है ये, देखो बम्बा बम्बा बम्बार्डमेंट। ओके सो वी आर गोइंग देयर ऑन द ब्रिज। हाँ ये देखो इसमें, अरे मुझे नाम नहीं पता इन सब के, इसमें वो छोटी छोटी सी निकलती है, गोल गोल रेड और ब्लैक कलर की निकलती है ना, नन्नी खाई है तूने? खट्टी मीठी सी लगती है। हाँ ये देखो, ये कुछ वैसे ही, ये वो ही है, ये थोड़ी सी भीग गए ना, खराब हो गए हैं ये। हेलो,
दुर्गा पूजा आ गई है, रेडी फॉर दैट। सो यहाँ पे नहीं, हम वहां पे नहाया करते थे, वहां पे जहाँ पे ब्रॉड था ना ज्यादा सब, वहां पे नहाते थे। कौन सा फूल? अरे ज्यादा मत जा, ये मुझे नहीं मालूम। कितना प्रिटी है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना, वाह बहुत प्यारा है। पता नहीं मुझे कुछ घास है, ये कुछ हो गई मुझे नहीं मालूम, मम्मी होती तो बताती हुई। ये रहे हम, वो रहे पेड़, वो रहे पेड़, वो रहे पेड़, पेड़ ही पेड़। हाँ वो यूकेलिप्टिस है, नीम है, मैंगो ट्रीज, और ये रही घास है, झाड़ियाँ, श्रब्स। इट इज श्रब्स, दीज आर ट्रीज, सीजनली। यस हाँ, चलो गाइड करने का काम थोड़ा तो करेंगे। सो तो ना ये देखो, ये रहा ब्रिज, यहाँ पे केले के पेड़ थे। बहुत कुछ चेंज हो गया है यार, सब कुछ चेंज हो गया। एक तो बारिश की वजह से कंडीशन खराब, मतलब ये पूरा ना रोड के ऐसे था, फ्लैट था ये पूरा, तो बहुत अच्छा लगता था। अब तो सब बर्बाद करके रख दिया है लोगों ने। तो यहाँ से हम वहाँ पे क्रॉस करते थे, और अभी तो मतलब यहाँ पे पूरा बड़ा ब्रॉड सा रोड था मिट्टी का, और यहाँ से पूरा, और वहां से भी थोड़ा था, जैसे ये भैंस भैंस बनी है, इन लोगों ने पूरा कवर कर लिया। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े केले के पेड़ थे, बहुत सुंदर लगता था। अभी तो सब कुछ बर्बाद है, पर देख लो भैंस। हेलो हेलो मैम, कैन यू से समथिंग? आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, प्लीज बताइए ना। सेट टू मी, व्हाई आर यू हियर आफ्टर सो मेनी इयर्स? आई वाज लाइक सॉरी मैम, इट्स माय फॉल्ट, इट्स ऑल माय फॉल्ट। अभी हम जा रहे हैं फिर से मामा के पास, और वो तो ऐसे लग रहा है कि इंस्पेक्शन चल रहा है उनका, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो अभी हम वो देखेंगे जाके। वो तो भाग गई यार, कपड़े की धज्जियाँ उड़ गई यहाँ पे तो। देयर वाज बटरफ्लाई, इसे देखो, ये देखो, कोई बोलेगा मुझे कहाँ से आई हूँ मैं? वो देखो भाग गई, मामा गायब हो गए क्या? क्या होता है सांप? क्यों होता है? मैंने भी एक बार ना सांप देखा है, उनके आया था। अरे नहीं उधर रहने दे, वो थोड़ा सा कुआ टाइप का है, तो आने जा रहे हैं हम, है ना? तू उधर ही रह, मैं देख के आती हूँ क्या है। अरे इन्होंने तो पूरा ऐसा लग रहा है कि मेरे को, अरे ऐसा लगता है ये इनका ना धस गया है ना? तू कहाँ जा रही है? हाँ वही तो, मैं नहीं जाने वाली इधर, देखो। चल आ जा वापस, वापस चलते हैं अपन। बेकारी में सांप तो जरूर ही होगा वहाँ पे, ऐसे कुएं वुए में सांप होता है यार। गिर गए तो ढूंढते रहेंगे पापा, मेरे तेरे पापा ने दे जाता ना, हमें वहीं आगे ढूंढेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा ढूंढना। तो गाइज अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है, अगर आप यहाँ पे न्यू हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यार, थोड़ा सा हेल्प मी टू गेन समथिंग। मेरे को बड़ा बेकार लग रहा है। एक तो ये किसी काम के नहीं है, ये वो जो टोकरे वगैरह बनाते थे ना, वो सब बना सकते हैं, इससे कुछ नहीं हो सकता, इससे बस तुम्हारे हाथ मुंह कट सकते हैं। मतलब ये किसी के, छोड़ो मैं नहीं बता रही, मतलब ये किसी के गले काटने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि एकदम शार्प है। ये देखो दिखाती हूँ, ये जो बड़ी वाली रहेगी ना, ये बहुत शार्प है, और ये थोड़ी रफ है, इसमें कांटे टाइप का होता है, स्टिक हो रहा है ये मेरी फिंगर्स पे, मेरे को कट कर देगा। अच्छी बात ये होती है कि जब आप नेचर के पास रहते हैं, तो आपको फ्रेश एयर मिलती है, और आपके मन को सुकून मिलता है। ये है सीसम, सो इट इज सीसम, और ये कीड़ों ने खा लिया है इसको, आगे भी होगा। अच्छा पेड़, ये नींबू का पेड़ है क्या? अरे हम अपने